हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ जीनियस क्लासेस। माय नेम इज आर्यन गुप्ता एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इससे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग इंटरनल जेनिटेलिया के बारे में करीब करीब बात कर चुके। इंटरनल जेनिटेलिया में हम लोग देखे यूट्रस शामिल था, फैलोपियन टिप शामिल था, वेजाइना शामिल था, उसके बाद अन्य जो भी सर्विक्स वगैरह था वो सब के बारे में हम लोग इंटरनल जेनिटेलिया में बात कर चुके। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का लास्ट पार्ट जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको वल्वा भी कहते हैं, इसके बारे में ना डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये वल्वा की बात करते हैं, तो ये वल्वा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये बल्बा की यदि बात करते हैं तो ये बल्बा के अंतर्गत मॉन्स पेविस, लेबिया मेजोरा, यूरिनल ऑरिफिस, वेजाइनल ऑरिफिस, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और फॉर्चिट और पेरेनियम, ये सारे के सारे ये बल्बा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि बल्बा का निर्माण ये सारे एनस को छोड़कर ये सारे चीज ना मिलकर बल्बा का निर्माण क्या करते हैं, करते हैं। सबसे पहले वल्वा के निर्माण के लिए सबसे पहले पॉन्स पीबिस होता है। सबसे पहला देखेंगे मॉन्स पीबिस। ये मॉन्स पीबिस क्या होता है? तो ये मॉन्स पीबिस जो है वो वल्वा के या एक्सटर्नल जेनिटेलिया के सबसे अपर पार्ट, और ये अपर पार्ट तो है ही, साथ साथ में ये गद्यनुमा होता है, साथ साथ में ये उभरा हुआ है। इस फिगर की बात करें तो ये मान लीजिए फीमेल की स्टोमैक है। स्टोमैक मतलब ये पेट वाला भाग है। तो ये पेट वाला भाग जैसे ही नीचे उतरता है तो नीचे उतरते ही ये जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, यही उभरा हुआ जो पार्ट होता है इसी को मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस ये उभरा हुआ पार्ट तो है ही, इसके साथ साथ में ये गदिनुमा होता है और इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसकी जो त्वचा होती है वो त्वचा सॉफ्ट होती है, साथ साथ में गदिनुमा होती है। इसके अलावा इसकी जो त्वचा है वो सब क्यूटेनियस फैटी टिश्यू से मिलकर बनी होती है। यानी कि इसकी जो स्किन्स है वो स्किन्स जो बनी होती है वो सब क्यूटेनियस फैटी टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। और एक बात और, ये जो मॉन्स प्यूबिस है, ये मॉन्स प्यूबिस के जो त्वचा है उस त्वचा पर जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी एज में पहुंचता है, यौवनावस्था में पहुंचता है, तो यौवनावस्था में पहुंचते ही ये मॉन्स प्यूबिस के जो त्वचा उस त्वचा पे रोम जन्म लेते हैं, बाल उत्पन्न होते हैं और उस बाल को प्यूबिक बाल कहा जाता है। प्यूबिक रोम कहा जाता है या प्यूबिक हेयर्स बोल सकते हैं, हिंदी में प्यूबिक रोम कहा जाता है, तो प्यूबिक हेयर बोला जाता है। तो ये था सबसे बल्वा का सबसे अपर पार्ट जिसपे बाल पाया जाता है, मॉन्स प्यूबिस। इसके बाद बल्वा के दूसरा पार्ट जो है वो लेबिया मेजोरा है। लेबिया मेजोरा के यदि विस्तार की बात करता हूँ तो ये लेबिया मेजोरा की जो विस्तार है वो मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट होता है। ये जो बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा है ये मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट होता है और मॉन्स प्यूबिस से स्टार्ट होने के बाद ये नीचे जहां तक वल्वा होती है उधर तक फैला होता है। इसके बाद यदि बात करते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेन झिल्ली से होता है और साथ साथ में ये मोटी झिल्ली से बनी होती है। ये डबल मेम्ब्रेन झिल्ली होती है और साथ साथ में क्या होती है, मोटी झिल्ली होती है। ये यानी कि बोल सकते हैं कि डबल मेम्ब्रेन होती है, साथ साथ में ये मोटी झिल्ली से बनी होती है। इसके ऊपर भी हेयर्स पाए जाते हैं, और ये भी जो होता है वो सब क्यूटेनियस से ही बना होता है। इसकी भी जो स्किन्स होती है वो सब क्यूटेनियस से ही बना होता है। एक बात और, इस
लेबिया मैजोरा में दो ग्लैंड पाए जाते हैं। इस लेबिया मैजोरा में दो ग्लैंड पाए जाते हैं। पहला ग्लैंड जो होता है वो स्वेट ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड जिसको श्वेत ग्रंथि भी बोलते हैं। ये श्वेत ग्रंथि, इसको हिंदी में यदि बोला जाए तो पसीने की ग्रंथि बोलते हैं। इसी कारण से जो लेबिया मेजोरा वाला पार्ट है वो हमेशा भींगा हुआ होता है, पसीना निकलते रहता है वो वाला पार्ट में, तो इसे श्वेत ग्रंथि कहते हैं। ये लेबिया मेजोरा में पहला ग्रंथि है। दूसरा ग्रंथि जो है वो सीबीएसियस ग्रंथि कहला, सीबीएसियस ग्रंथ इसे तेलीय ग्रंथि भी कहते हैं। ये सीबीएसई ग्लैंड के कारण ये जो लेबिया मेजोरा वाला पार्ट है वो हमेशा ना तैलीय बना होता है, इसलिए ये चिकना भाग होता है। तो इस तरह से हम लोग मोन स्पीबिस को पहला पार्ट देखें, लेबिया मेजोरा दूसरा पार्ट, और स्किन शॉट लेने आगे बताते हैं। अभी हम लोग बलवा के दो पार्ट मोन स्पीबिस और लेबिया मेजोरा के बारे में देख लिए। लेबिया मेजोरा जो होता है वो मेल के स्क्रोटल की तरह बिहेव करता है। मेल के जो स्क्रोटल सैक होता है वो स्क्रोटल सैक की तरह बिहेव करता है लेबिया मेजोरा फीमेल में। मॉन्स पेबिस के बारे में देख लिए, लेबिया मेजोरा के बारे में देखें। अब बल्बा के तीसरा पार्ट जो है वो लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा की यदि बात करते हैं तो ये लेबिया मेजोरा है, और ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये पार्ट, ये अंदर की पार्ट जो है वो लेबिया माइनोरा कहलाता है। ये लेबिया माइनोरा की पोजीशन की यदि बात करते हैं तो ये लेबिया मेजोरा से अंदर की ओर होता है, वो भी किसकी तरफ, तो वजाइनल ऑरिफिस की तरफ। लेबिया मेजोरा से अंदर की तरफ वजाइनल ऑरिफिस की तरफ लेबिया माइनोरा होता है। और इसकी बात करें तो ये ना सबक्यूटेनियस नहीं होता है, इसके साथ साथ ये सबक्यूटेनियस तो नहीं होता है, साथ साथ इस पर किसी प्रकार के हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, और इस पर किसी प्रकार के हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें स्वेट ग्लैंड जो होता है, जिस तरह से लेबिया मेजोरा में स्वेट ग्लैंड और सीबीएसियस ग्लैंड बताया था, तो ये लेबिया माइनोरा में स्वेट ग्लैंड जो होता है वो बिल्कुल बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन जो सीबीएसियस ग्लैंड होता है जिसको तेलीय ग्रंथि बोल रहे थे, वो तेलीय ग्रंथि इस लेबिया मेजोरा माइनोरा में अधिक होते हैं, जिसके कारण ये लेबिया माइनोरा बहुत ज्यादा तैलीय होता है, और तैलीय होने के कारण ये बहुत ज्यादा क्या होता है, चिकनाहट होती है। इसके साथ साथ एक बात और देखेंगे, ये लेबिया माइनोरा जो नीचे की ओर जहां पे आपस में मिलता है, तो लेबिया माइनोरा जहां पे आपस में नीचे की ओर मिलता है उसको फॉर्चिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्चिट। तो ये था लेबिया माइनोरा। वल्वा के चौथा जो पार्ट है, तो चौथा पार्ट की बात करते हैं तो उसको वेस्टिब्यूल्स कहते हैं, वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल क्या है? तो वेस्टिब्यूल की यदि बात करते हैं तो लेबिया माइनोरा के अंदर वाला जो पार्ट है, ये लेबिया माइनोरा के अंदर वाला पार्ट जो है उसको क्या कहा जाता है? वेस्टिब्यूल कहा जाता है। ये वेस्टिब्यूल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो ये वेस्टिब्यूल में ही यूरिनल ऑरिफिस प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ वजाइनल ऑरिफिस प्रेजेंट होता है। तो यूरिनल ऑरिफिस, वजाइनल ऑरिफिस, इसके अलावा और भी मटेरियल होते हैं जो अभी बताता हूँ कि वेस्टिब्यूल में क्या होता है, लेकिन यूरिनल ऑरिफिस और वजाइनल ऑरिफिस ये सारे के सारे वेस्टिब्यूल में ही होता है। इसीलिए हम आप लोग को जब वजाइना पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताया होंगे कि वजाइना जो होता है, वजाइना का एक पार्ट जो होता है वो सर्विक्स से कनेक्टेड होता है, यूट्रस के सर्विक्स से, और दूसरा पार्ट जो होता है वो वल्वा के वेस्टिब्यूल्स में खुलता है। जो वजाइनल ऑरिफिस कहलाता है वो वल्वा के वेस्टिब्यूल्स में खुलता है। तो यहां से देखें कि वेस्टिब्यूल के अंतर्गत यूरिनल ऑरिफिस भी आया, साथ साथ में क्या आया? वजाइनल ऑरिफिस भी आया। इसके अलावा ये वजाइनल ऑरिफिस में एक, इसके वजाइना के अंदर एक हाइमेन पाया जाता है, जो आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा ये यदि बात करते हैं तो ये वेस्टिब्यूल के निचला जो भाग है वो निचला भाग के पास में दो बल्ब पाए जाते हैं जिसको पिंड बोला जाता है। तो यहाँ पे दो बल्ब पाए जाते हैं जिसको पिंड बोला जाता है, और उसे एक स्पेशल नाम है बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल्स, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल्स पाया जाता है। और ये बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल्स का काम क्या है? तो जैसे ही फीमेल में सेक्स प्रक्रिया करने की इच्छा जागती है,
तो वो सेक्स पर क्रिया करने की इच्छा जैसे ही फीमेल में जाती है तो ये बल्ब में क्या होता है कि रक्त भर जाता है, और ये बल्ब में रक्त भरता है जिस कारण से ये बल्ब जो होता है से क्या हो जाता है फूल जाती है, यानी कि ये वेस्टिबुल क्या हो जाता है फूल जाती है। तो यहाँ वेस्टिबुल के सबसे निचला पार्ट पे बल्ब पाए जाते हैं, दो बल्ब पाए जाते हैं। एक बात और, ये जो वेजाइनल ऑरिफिस है ये वेजाइनल ऑरिफिस के जस्ट ऊपर यूरिनल ऑरिफिस पाया जाता है जिसमें यूरेथ्रा खुलती है, और इसी यूरेथ्रा इसमें खुलती है और ये यूरिनल ऑरिफिस पाया जाता है, और ये यूरिनल ऑरिफिस के आसपास में बर्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है जिसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। ये बर्थोलिन ग्लैंड क्या है इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे यूरिनल ऑरिफिस के पास में बर्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है, और ये जो बर्थोलिन ग्लैंड होता है एक प्रकार के म्यूकस की सिक्रेशन करता है। क्या चीज का सिक्रेशन करता है? म्यूकस की। और ये म्यूकस की कहाँ जरूरी होती है? तो ये म्यूकस की जरूरी होती है ये यूरिनल ऑरिफिस से ये अंदर जाता है यूरेथ्रा में, वहां पे इसको जरूरी होता है कि क्या म्यूकस करता है। लेकिन यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड पाया जाता है, वो बर्थोलिन ग्लैंड जो होता है म्यूकस का क्या करता है सिक्रेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि वेस्टिब्यूल क्या है। इसके बाद यदि बात करते हैं कि पांचवा, तो पांचवा जो वर्वा का पार्ट है क्लिटोरिस। ये क्लिटोरिस पार्ट क्या है? तो ये क्लिटोरिस पार्ट की बात करते हैं तो ये जो लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा से ऊपर की ओर जहां पे मिलता है, ऊपर की ओर जहां पे आपस में मिलता है वहां पे एक उभरा हुआ इरेक्टाइल उत्तेजनशील इरेक्टाइल एक ना रचना पाई जाती है, ये उत्तेजनशील होती है, और ये इरेक्टाइल रचना ही ना क्या कहलाता है तो क्लिटोरिस कहलाता है। तो ये क्लिटोरिस के बारे में था जहां पे लेबिया माइनोरा आपस में मिलते हैं ऊपर की ओर, वहां पे इरेक्टाइल एक रचना पाई जाती है जो उत्तेजनशील होता है, और इसे ही क्या कहा जाता है क्लिटोरिस कहा जाता है। उसके बाद छठा, यदि छठा पार्ट बलवा की बात करें तो छठा पार्ट है पेरिनियम। ये पेरिनियम किसको कहते हैं? तो बहुत आसान है, पेरिनियम जो वल्वा और एनस, ये वल्वा और एनस, या फिर बोल सकते हैं कि जहां पे लेबिया माइनोरा आपस में मिलते हैं वहां से लेके और एनस के बीच, एनस वाला जो छिद्र होता है वो एनस के बीच वाला जो भाग है, बीच वाला जो रचना होती है, ये बीच वाला रचना ही क्या कहलाती है पेरिनियम कहलाती है। तो इस प्रकार हम लोग ना वल्वा या एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में डिटेल से अध्ययन कर चुके। एक बात और, ये लेबिया माइनोरा जो होता है वो बहुत थीन होता है। थीन का मतलब बहुत क्या होता है? पतला होता है। तो ये लेबिया माइनोरा बहुत पतला होता है, और साथ साथ में ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इस प्रकार वल्वा टॉपिक जो था से खत्म हुआ, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी पार्ट था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। कल हम लोग देखेंगे मैमल्स ग्लैंड के बारे में कि मैमल्स ग्लैंड क्या होता है। नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक्स।